इसको ड्रग माफिया बोलो, इसको फार्मा माफिया बोलो, इसको मेडिकल माफिया बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो। बाबा रामदेव ने मॉडर्न साइंस को टेररिज्म से जोड़ा, बोले सन्यासी अकेले नहीं, पीछे हैं करोड़ों लोग और अनुसंधान तो आ गए यूजर्स के निशाने पर। आइए जानते हैं पूरी खबर। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव मौन रहने के अपने बयान से पलट गए। उन्होंने मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथी को मेडिकल टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा कि अकेला सन्यासी इससे नहीं लड़ सकता, लाखों करोड़ों लोग वैदिक ज्ञान और अनुसंधान उनके पीछे हैं। बाबा रामदेव ने लिखा, ड्रग माफिया एलोपैथी का महाजूट बेनकाब, योग आयुर्वेद से इनक्यूरेबल, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ क्योर, आरए फैक्टर सीआरपी यूरिक एसिड भी हुआ क्योर, करोड़ों लोगों तक इस सत्य को पहुंचाइए। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी व स्पिरिचुअल साइंस को विश्व स्वास्थ्य का आधार बनाएं। इसके साथ ही स्वामी रामदेव ने बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी किया है। 40 मिनट के वीडियो में उन्होंने कहा कि योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति के सच पर सीरियल शुरू कर दिया गया है। वीडियो में उनके साथ उनके साधक हैं। बाबा रामदेव बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी में बहुत बड़ा घोटाला है। इसको ड्रग माफिया बोले, फार्मा माफिया बोले, मेडिकल माफिया बोले या मेडिकल टेररिज्म बोले, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। इनके खिलाफ सन्यासी अकेले नहीं लड़ सकते, जिसके बाद वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पे आ चुके हैं। आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूजर्स के रिएक्शंस। राजेश राय नाम के यूजर लिखते हैं, आयुर्वेद माफिया आपको भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपके योग कुटिया में रहकर क्या कोई गरीब इलाज करा सकता है? इस महामारी के समय देश के कितने गरीब और निसहाय लोगों की आपके ट्रस्ट ने मदद की। भोले भोले देशवासियों को बरगलाना छोड़कर कहिए कि आप भी धंधा ही कर रहे हैं, न कि सेवा। दुर्गेश साहू नाम के यूजर लिखते हैं, स्वामी जी आज आप एलोपैथी और एलोपैथिक चिकित्सक के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हैं, कल्पना कीजिए यही बात या यही सवाल कोई विपक्षी पार्टी का नेता उठाया होता तो पूरी पूरी भाजपा के लोग और अंध समर्थक देश भर में उस आदमी के खिलाफ आंदोलन करते और उससे देशद्रोही और क्या क्या नहीं कहते। तो एक यूजर लिखते हैं, मतलब मोदी जी एंटी नेशनल हैं जो एलोपैथी वैक्सीन बांट रहे हैं। तो मोती सागर नाम के यूजर लिखते हैं, बार बार बोलते हो मेरे द्वारा कमाया धन परमार्थ के लिए जाएगा, अब जब इतने लोग भूखों मर रहे हैं तो कितने रुपए दिए हैं लोगों को। तो एक यूजर लिखते हैं, ओताऊ आरए फैक्टर एंड सीआरपी कोई बीमारी नहीं होती, कम से कम किसी पढ़े लिखे से ही पोस्ट लिखवा लिया कर ताकि पढ़कर हंसी ना आए। ऐसे कितने ही यूजर हैं जो बाबा रामदेव के इस पोस्ट पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में आरोप लगाया कि रामदेव अपने व्यापार बढ़ाने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़ा कर देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करना महामारी एक्ट के खिलाफ है। इसके बावजूद हाल ही में रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़ा कर पूरे देश को गुमराह किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रामदेव मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कर रहे हैं। दल के निवर्तमान महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि पतंजलि की भूमि शुरू से ही विवादों और सवालों के घेरे में है, जो जांच का विषय है। आरोप लगाया गया कि रामदेव देश के लोगों में आपसी भाईचारे को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके खिलाफ महामारी एक्ट और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।